हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास प्लस वन है और आज हम आपकी जो नाइन्थ चैप्टर है एसएन स्टोरी की बुक से द एम्पायर्स न्यू क्लोथ, उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपने समरी लिखनी है इस चैप्टर की। तो देयर वॉज एन एम्पायर, एक एम्पायर किंग होता है। ही वॉज टू फाउंड ऑफ न्यू क्लोथ, उसको नए कपड़े पहनने का बहुत शौक होता है। ही स्पेंड ऑल हीज मनी ऑन क्लोथ, वो अपने सारे पैसे नए कपड़े खरीदने में लगाता है। ही हैड अ न्यू ड्रेस फॉर एवरी आवर ऑफ द डे, वो हर रोज हर घंटे नए कपड़े पहनता है। डिड नॉट केयर ऑफ हिज पीपल, वो अपने लोगों की परवाह नहीं करता। ही ओनली केयर, उसको सिर्फ किसकी परवाह होती है? अबाउट हिज क्लोथ, सिर्फ उसको अपने कपड़ों की परवाह होती है। ही वॉज अ शो ऑफ, वो शो ऑफ ज़्यादा करता है, दिखावा करता है। द पीपल कॉल्ड हिम, जो लोग हैं उसके राज में उसको क्या कहते थे? एम्पायर इन वार्डरोब। द एम्पायर वॉज वेरी फॉलिश, एम्पायर अब जो मूर्ख ही होगा, जो अपने कपड़े हर एक घंटे बाद बदलता है, अपने लोगों का ध्यान ही नहीं रखता। हिज वीकनेस वॉज क्लोथ मेड अ फूल ऑफ हिम, उसकी जो वीकनेस थी वो क्या थी? अच्छे कपड़े, और उसको अच्छे कपड़े दे के कोई भी मूर्ख बना सकता था। वंस टू कम टू हिज कोर्ट, उस एक बार इंस्पेक्टर आते हैं उसकी कोर्ट में। दे प्ले अ ट्रिक ऑन हिम, उसके साथ एक गेम खेलते हैं। दे सेड दैट दे कुड मेक वेरी फाइन क्लोथ्स, वो कहते हैं, आके कहते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं। दे ऑल्सो सेड दैट क्लोथ्स वुड बी विजिबल टू वाइज पर्सन ओनली, वो कहते हैं कि वो क्लोथ्स सिर्फ विजिबल उनको ही दिखाएंगे जो वाइज पर्सन होंगे, अच्छे लोग होंगे। Foolish empire was taken in. He thought that he would use those clothes to test the wisdom of his contrary. अब राजा ने सोचा कि मैं उनको उनके ये कपड़े पहन के टेस्ट कर सकता हूँ कि उनका किंगडम कैसा है। सो ही ordered the impostor to prepare the clothes for him. तो वो उनको कहता है कि ठीक है, आप मेरे लिए कपड़े बनाओ, मैं देखता हूँ आप कैसे बनाते हो। The impostor set up looms. वो एक looms बना देते हैं, looms बनाते हैं। looms का मतलब होता है खड़ियाँ। दे टुक फ्रॉम द एम्पायर लॉट ऑफ मनी, गोल्ड थ्रेड एंड स्केल, वो एम्पायर राजा से बहुत सारा धन दौलत ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड थ्रेड, सिल्क, बट दे वोव नो क्लोथ, पर वो किसी तरह का कोई क्लोथ नहीं बनाते। दे ओनली प्रिटेंडेड टू बी वर्किंग ऑन द एम्प्टी लूम्स। लूम्स वो होते हैं जिन पे रख जो एक ढांचा बना के जिन पे कपड़े बुने जाते हैं। तो वो आके राजा को कहते हैं कि हाँ, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे। तो राजा कहता है ठीक है बनाओ। तो वो क्या करते हैं, कपड़े तो कोई बनाते नहीं, पर राजा से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं, थ्रेड और स्केल ले लेते हैं। एट लास्ट द इम्पोस्टर सेड दैट द क्लोथ्स वर रेडी, अब इम्पोस्टर कहते हैं कि क्लोथ्स रेडी हो चुके हैं। द एम्पायर डिड नॉट सी एनी क्लोथ, एम्पायर जब देखता है आके कि रूम में तो कोई भी क्लोथ नहीं है क्योंकि उन्होंने बनाया ही नहीं कोई क्लोथ, बट ही डिड नॉट स्पीक आउट, पर वो बोलता नहीं है। ही वॉज अफ्रेड लीस्ट द पीपल शुड कॉल हिम स्टूपिड, उसको लगता है कि अगर मैंने बोला कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, वो तो है ही नहीं, ऐसा कहूँगा तो लोग मेरे को मूर्ख समझेंगे। सो एक्टेड एज प्लीज टू सी द न्यू क्लोथ्स, वो फिर एक्ट करता है दिखावा कि हाँ हाँ, ये नए कपड़े तो बहुत अच्छे हैं। ही पुट ऑन दीज क्लोथ्स, वो कपड़े पहनता है। देन ही वेंट थ्रू द सिटी इन अ पोजेशन, फिर वो कपड़े पहन के सिटी में जाता है। द पीस पीपल सॉ दैट एम्पायर वॉज नैग्ड, अब कोई कपड़े नहीं है, उसने इमेजिनेशन करके कपड़े पहन लिए कि कोई मेरे को मूर्ख ना समझे। जब वो बाहर जाता है तो वो क्या होता है, नंगा होता है। बट नोबडी हैड द करेज टू स्पीक आउट द मच स्पीक आउट ऑफ ट्रूथ, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो राजा को कहे कि उन्होंने कपड़े नहीं पहने हैं। एवरीबडी प्रेस द किंग्स न्यू क्लोथ, हर कोई उसके पीछे लग के उसकी प्रेस करता है कि किंग के कितने अच्छे कपड़े हैं। देयर वॉज अ लिटल चाइल्ड इन अ क्राउड, उस इकट्ठ में एक बच्चा होता है। ही कैरिड आउट दैट एम्पायर हैड नथिंग ऑन, वो चिल्लाता है कि राजा के तो कुछ भी नहीं पहना। द पीपल रिपीटेड वट द चाइल्ड हैड सेड, लोगों ने भी रिपीट करना शुरू कर दिया जो बच्चे ने कहा। द एम्पायर रिलाइज द ट्रूथ, एम्पायर को सच रिलाइज हुआ। ही फेल्ट स्मॉल बट इट वॉज टू लेट, राजा को बहुत छोटा फील हुआ कि मैं क्या कौन सी बड़ी मूर्खता वाली बात कर रहा था, पर अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। दस द इम्पोस्टर सक्सीड इन फूलिंग द एम्पायर एंड हिज पीपल, तो इस तरह से वो इम्पोस्टर थे जो वो राजा और उनके लोगों को मूर्ख बना के चले जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपने ये क्वेश्चन करना है लर्न। इसके साथ ही आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट है, व्हाट वाज द एम्पायर मोस्ट फाउंड ऑफ, किस बात का शौकीन था राजा? न्यू क्लोथ का। व्हाट डिड द टू वेयरर्स प्रिटेंड टू नो, क्या दिखाना चाहते थे? वो बहुत अच्छे अच्छे क्लोथ दिखाना चाहते थे। वो कहते कि वो बहुत अच्छे क्लोथ बनाते हैं, पर वो उसी को दिखाएंगे जो
स्टूपिड नहीं होगा. व्हाट डिड द एम्पायर थिंक ही कुड डू बाय पुटिंग ऑन दोज विजिबल क्लोथ्स, इनविजिबल क्लोथ्स डाल के क्या सोच रहा था? द एम्पायर थॉट दैट ही कुड दस फाइंड आउट व्हाट ऑफ हिज मिस्ट्रेस वर अनफिट बाय द देयर पोस्ट्स. ही ऑल्सो थॉट दैट ही वुड बी एबल टू टेल द वाइज फ्रॉम द स्टूपिड. वो ये सोच रहा था कि मैं मूर्ख नहीं बनूंगा तो मैं उन कपड़ों को पहन लेता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये पूछा कि ये कपड़े तो है ही नहीं इस रूम में तो वो मेरे को मूर्ख समझेंगे. Whom did the empire send first? किसको भेजता है पहले? अपने पुराने मिनिस्टर को. What did the old minister see? मिनिस्टर क्या देखता है? वहाँ पे कोई भी कपड़ा नहीं होता. Whom did the empire send next? फिर दूसरी बार किसको भेजता है? वो अपने another official जो वर्कर होता है उसको भेजता है. When did the empire first put on those? कहाँ पहन के जाता है वो? Eve of procession में पहन के जाता है. Why did not anybody say that king was without cloth? कोई भी लोग ये क्यों नहीं कहता किंग को कि तुम बिना कपड़े के हो, क्योंकि सभी उससे डरते हैं. Who cried immediately that the king had nothing on? कौन चिल्लाता है और किंग को बताता है कि उसने कुछ नहीं पहना? एक छोटा सा बच्चा. ठीक है बेटा, तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो. ओके ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.